हेलो एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल गईस बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वुड रिक्वेस्ट जस्ट टेक अ सेकेंड्स टाइम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल दोस्तों पार्ट टेन डिस्कस करेंगे डिटेल्ड एक्सप्लेशन का आपकी एच सी का जो 2021 का पेपर हुआ था उसको एंड पी डी एफ फाइल आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा सो लेटर स्टार्ट एंड हेयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन गईस पहला क्वेश्चन कहता है कि डेप्थ जो होती है सी की उसको आप डिटरमाइन कर सकते हो सोनार से ठीक है ये उसने बता दिया अब उसने कहा कि स्टेटमेंट्स कंसीडर करो रिलेटेड टू सोनार या जो पूरा मकैनिज़म होता है पहला स्टेटमेंट कहता है कि सोनार जो होता है ये अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करता है डेप्थ ऑफ सी की मेजरमेंट के लिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं इनकी जो स्पीड होती है सी वाटर के अंदर वो सेम होती है जो साउंड की स्पीड होती है एयर में ठीक है अल्ट्रासोनिक वेव्स की स्पीड सी वाटर के अंदर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है तीसरा स्टेटमेंट बोलता है टाइम टेकन बाय अल्ट्रासोनिक वेव्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी टू रीच द डिटेक्टर इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ कि कितना समय ले रही है अल्टीमेटली अल्ट्रासोनिक वेव बॉटम से रिफ्लेक्ट होकर के दोबारा से डिफ्लेक्टर के अंदर आने में वो बेसिकली उससे डेप्थ को डिटरमिन किया जाता है आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मैं बार बार बोल रहा हूँ हर बार बोलता हूँ कि करेक्ट इनकरेक्ट जरूर पहले मार्क कर लेना पेपर के अंदर अब यहाँ पर आंसर क्या होगा पहले आपको आंसर बता देते हैं फिर एक्सप्लेनेशन देखेंगे द राइट आंसर गाइज ओवर हेयर इज ऑप्शन बी वन एंड थ्री ओनली पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करता है सोनार डेप्थ ऑफ सी के लिए और थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है ठीक है सेकंड क्वेश्चन सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि स्पीड जो है वो सेम नहीं होती तो अगर किसी को भी सेकंड के बारे में पता था कि ये इनकरेक्ट है तो सी और डी तो वहीं पर एलिमिनेट हो जाना था ठीक है और सोनार एक छठी क्लास की साइंस की किताब में कराते हैं इसके बारे में अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी ईजी था ईजिली मैं इसको कई बच्चे कहते हैं सर हमारे साइंस हमारा एलिमेंट्री साइंस वीक है मैं कहता हूँ कि यार वीक भी हो तब भी मैं अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाए ठीक है तो सोनार बेसिकली स्टैंड फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग अब आधी टाइम बच्चों को बहुत से बच्चों को जब ये वीडियो भी देख रहे होंगे जब वो क्वेश्चन आया था उनको सोनार का फुल फॉर्म नहीं पता था ठीक है एक्सेप्ट इट गाइज ठीक है बहुत से बच्चों को नहीं पता था जिनको पता था दैट्स वेरी गुड जिनको नहीं पता था यू हैव टू एक्सेप्ट इट और कोई ये सोचे कि नहीं यार अब ये पेपर के अंदर ये थोड़ी पूछेगा तो डेफिनेटली फिर उससे तो बहस करने का को कोई फायदा ही नहीं है ओके okay. सोनार जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करता है डिस्टेंस मेजर करने में एंड साथ ही साथ डिस्टेंस के साथ साथ ये डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स भी मेजर कर सकता है अब देखो वो इसके ऊपर स्टेटमेंट बना सकता है कि नहीं बना सकता वो स्टेटमेंट बना सकता है कि सोनार जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करके सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस मेजर कर सकता है डायरेक्शन या स्पीड मेजर नहीं कर सकता अगर वो अभी ये स्टेटमेंट दे देगा तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा अगेन क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है सोनार के अंदर एक ट्रांसमीटर होता है और एक डिफ्लेक्टर डिटेक्टर होता है ट्रांसमीटर बेसिकली वेव्स को सेंड करता है और फिर डिटेक्टर उन वेव्स को रिसीव करता है ट्रांसमीटर प्रोड्यूसिस एंड ट्रांसमिट्स इट्स अल्ट्रासोनिक वेव्स वेव्स ट्रेवल करती हैं थ्रू वाटर और ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करने के बाद सी बेड पर वो रिफ्लेक्ट बैक करेंगी और डिटेक्टर उनको सेंस करेगा डिटेक्टर कन्वर्ट करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स को इलेक्ट्रॉ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में और उसको फिर फर्दर इंटरप्रेट किया जाता है The distance of the object that reflected the sound wave can be calculated by knowing the speed of sound in water and the time interval between transmission and reception of ultrasound. कि speed of sound कितनी है water के अंदर और कितना समय लगा है transmission of ultrasonic waves से लेकर के receiveable रिस, तक के बीच में। Now, अब ये जो method होता है जिसमें basically आप speed of uh, sound को consider करते हो और time को देखते हो, तो ultimately ये जो method होता है इसको बोलते हैं echo ranging। सोनार टेक्निक को किस किस काम के लिए यूज किया जा सकता है डेप्थ ऑफ सी को चेक करने के लिए अंडर वाटर हिल्स वैली सबमरी आइसबर्ग शिप्स वगैरह को भी ये डिटेक्ट कर सकता है अब अगर हम स्पीड की बात करें आपका जो सेकेंड स्टेटमेंट था वो क्या था स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स इन सी वाटर इज सेम एज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर तो स्पीड इन सी वाटर जो वेव्स की स्पीड होती है सी वॉटर में दैट इज अराउंड वन फाइव थ्री वन मीटर पर सेकेंड और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की बात करें तो दैट इज अराउंड 340 मीटर पर सेकंड तो दोनों के अंदर डिफरेंस है स्पीड जो होती है वेव्स अल्ट्रासोनिक वेव्स की सी वाटर के अंदर वो ज्यादा होती है ठीक है सो दैट इज वाई ऑर सेकंड स्टेटमेंट वॉज इनकरेक्ट ठीक है अगर अगर आपसे कोई पूछ ले आ, फर्दर पूछ सकता है कि स्पीड किसकी ज्यादा होती है साउंड की ज्यादा होती है एयर के अंदर या वेव अल्ट्रा अल्ट्रासोनिक वेव्स की होती है सी वाटर में तो आप कह दोगे कि अल्ट्रासोनिक वेव्स की होती है नेक्स्ट क्वेश्चन अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम स्टमक पेन एंड इन डाइजेशन वॉज एडवाइज बाय अ डॉक्टर टू टेक प्रो बायोटिक्स द प्रो बायोटिक्स हेल्प टू प्रो बायोटिक क्या होते हैं बेसिकली ये क्वेश्चन है ऑप्शन ए कहता है कि मेडिकेशन का इफेक्ट इंक्रीज कर देता है यानी कि जो दवाइयाँ मरीज खा रहा है उन दवाइयों की इफेक्टिवनेस को और बेहतर कर देगा ऑप्शन बी कहता है हार्मुल बैक्टीरिया को स्टमक में मार देगा ठीक है ऑप्शन सी कहता है प्रोवाइड बेनिफिशियल बैक्टीरिया फॉर हेल्थी डाइजेशन जो देखो अब आपके इंटेस्टाइन के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं नेचुरली भी बैक्टीरिया होते हैं लेकिन वो हार्मफुल नहीं वो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं दे हेल्प टू इन इंक्रीज योर इम्यूनिटी और इम्प्रूव योर इम्यूनिटी ठीक है ऑप्शन डी कहता है डिक्रीज द एसिड सिक्रीशन एंड इंक्रीज द एंजाइमेटिक एक्टिविटी कि आपके स्टमक के अंदर वो एसिड सिक्रीशन को डिक्रीज़ करेगा और एंजाइम एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा तो बेटा देखो ज़्यादातर अगर इसके अंदर क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगी तो वो बी और सी ऑप्शन में कंफ्यूजन होगी क्योंकि बायोटिक भी हमें सब कुछ जानते हैं कि समथिंग एसोसिएटेड विथ बैक्टीरिया अब किलिंग हार्मफुल बैक्टीरिया का जो काम होता है वो प्रोबायोटिक का नहीं होता वो किसका काम होता है एंटीबायोटिक का ये भी हम जानते हैं कि वो काम किसका होता है एंटीबायोटिक का होता है तो अल्टीमेटली इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो सी होगा प्रोबायोटिक क्या होते हैं वो आपके डाइजेशन uh, सिस्टम के अंदर जो यूजफुल और जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होती हैं उनकी ग्रोथ को एनकरेज करते हैं सो द राइट आंसर ओवर एयर इज़ सी सो द बेसिक प्रोबायोटिक डेफिनेशन इज़ दैट दे आर गुड बैक्टीरिया दैट बैलेंस हार्मफुल बैक्टीरिया बाय एलिमिनेटिंग दम अच्छे बैक्टीरिया अच्छे सिपाही ठीक है जंग के अंदर होता है ना एक साइड अच्छी एक साइड बुरी होती है तो अच्छे सिपाही होते हैं ये आपके प्रोबायोटिक्स ओके okay, और साथ ही साथ ये आपके पीएच को भी मेंटेन करके रखते हैं आपके गट के अंदर ओके okay, ताकि आपका हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द फेमस नुब्रा वैली नॉन इट्स ऑर्कर्ड्स विस्तार बेक्ट्रियन कैमल्स एंड मोनेस्ट्रीज लाई बिटवीन टू माउंटेन रेंजेस ऑफ नुब्रा वैली आपसे पूछा है कि कौन से माउंटेन रेंजेस के बीच में आती है काराकोरम झांसकर जान्सकर लद्दाख लद्दाख पीर पंजाल काराकोरम लद्दाख जियोग्राफी का बेसिक सा फैक्चुअल क्वेश्चन है राइट आंसरम एंड लद्दाख तो काराकोरम एंड लद्दाख रेंजेस के बीच में आपकी नुबरा वैली पड़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द नेम ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर अगेन एनसीआर टी का डायरेक्ट क्वेश्चन है आपको अलग अलग नाम गिवन है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के जिसको आप बेसिकली और क्या बोलते हो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के आपसे ऑल्टरनेटिव नेम्स पूछे गए हैं ठीक है झूम कल्टिवेशन वगैरह जो आप जानते हो ना है ना शिफ्टिंग एग्रीकल्चर uh, भी जिसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी जिसको हम बोलते हैं तो आपको मैच करना कि झूमिंग कहां पर बोलते हैं खिल कहां पर बोलते हैं ब्रिंगा कहां पर बोलते हैं वलरे कहां पर बोलते हैं सो so, इसके अंदर करेक्ट मैचिंग जो हो जाएगी बेटा वो है आपकी ऑप्शन बी ठीक है ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है आपका अब देखो झूमिंग जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर बोलते हैं अभी बड़ा सिंपल क्वेश्चन था मेरे हिसाब से अगर किसी को बाकी के तीन नहीं पता जूमिंग एक ऐसी चीज़ है जो जनरली एक कैंडिडेट जो, जो जोग्राफी पढ़ रहा है उसको आइडिया हो जाता है जूम कल्टिवेशन इज वेरी फेमस नेम तो जूमिंग वॉज नॉर्थ ईस्ट रीजन जनरली बाकी के नहीं पता होते एन के अंदर गिवन क्लियरली है लेकिन पता नहीं होते हैं लेकिन जूमिंग हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि एक कैंडिडेट को पता रहेगा अब जूमिंग अगर एक कैंडिडेट को पता था तो अल्टीमेटली वो बड़ी इजीली बाकी के ऑप्शन एलिमिनेट कर देता क्योंकि वन का सी सिर्फ बी के अंदर है वन का ए है ए के अंदर गलत हो गया वन का बी है सी के अंदर वन का डी है डी के अंदर तो 2021 के पेपर में सबसे बड़ी गड़बड़ी ये थी और वैसे तो हरियाणा के पेपर में हर साल ही ये गड़बड़ देखी जाती है क्वेश्चंस के अंदर बट 2021 वाले में तो बहुत ज्यादा थी बहुत ज्यादा क्वेश्चन के अंदर ऐसा था कि अगर बच्चे को एक ऑप्शन और ऑप्शन भी वो वाला जो बहुत बेसिक है ठीक है जो बहुत बेसिक है तो अगर तैयारी करा हुआ बच्चा है तो मैं ये नहीं लेकर के चलता फिर कि अगर उसने तैयारी करी है वो क्लेम कर रहा है कि मैंने तैयारी करी है कि उसको झूमिंग ना पता हो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का ठीक है आंसर इजी हो जाता है फिर भी यहां पर आपके लिए मैंने पर ये डाल दिया है एनसीआर से डायरेक्टली ये इंफॉर्मेशन है झूमिंग के अलग अलग नाम है अलग अलग, 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 अलग कंट्रीज के अंदर भी जैसे यहां पर तो आपका स्टेट का पूछ लिया ना उसने वो अलग अलग कंट्रीज का भी पूछ सकता है जैसे मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका वाला जो रीजन है वहां पर इसको क्या बोलते हैं मिल्पा वेनेजुला के अंदर इसको क्या बोलते हैं कॉनुको ब्राजील के अंदर रोका सेंट्रल अफ्रीका के अंदर इसको बोलते हैं मसौले इंडोनेशिया के अंदर इसको क्या बोलते हैं लदांग और वियतनाम के अंदर इसको क्या बोलते हैं रे ठीक है मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा वेनेजुला में कॉनुको ब्राजील में रोका सेंट्रल अमेरिका में मसोल इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे इंडिया के अंदर भी अलग अलग नाम है अलग अलग स्टेट्स के अंदर जैसे अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में इसको बेवार या दहिया बोला जाता है ठीक है आंध्र प्रदेश के अंदर इसको पोडू और पेंडा बोला जाता है ओडिशा के अंदर इसको पामादाबी कोमान या ब्रिंगा बोला जाता है वेस्टर्न घाट्स जहां पर है वहां पर इसको कुमारी बोला जाता है साउथ ईस्टर्न रीजन के अंदर इसको साउथ ईस्टर्न रीजन तमिलनाडु केरला वाला जो साइड हो गया वहां पर इसको या बोला जाता है है ठीक साउथ ईस्टर्न राजस्थान सॉरी नॉट साउथ ईस्टर्न इंडिया साउथ ईस्टर्न राजस्थान हिमालयन बेल्ट जो है वहां पर इसको खिल बोला जाता है झारखंड के अंदर इसको कुरुआ बोला जाता है कुरुआ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर इसको क्या बोला जाता है आपका ज़ूमिंग बोला जाता है इसी के अंदर से पूरे का पूरा क्वेश्चन फ्रेम हुआ हुआ था अगेन क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे नाम हैं वो सिंगल डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि झूमिंग uh, कल्टिवेशन इज नोन एज बेवार इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स या कंट्रीज के नाम भी पूछ सकता है कि मिल्पा कौन सी कंट्री में बोलते हैं उस तरीके से ये याद कर लोगे तो फायदे में रहोगे नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द नॉर्दर्न मोस्ट सदर्न मोस्ट ईस्टर्न मोस्ट वेस्टर्न मोस्ट लैंड लॉक्ड स्टेट्स इन इंडिया इन दिस ऑर्डर विद नो इंटरनेशनल बॉर्डरस लैंड लॉकड स्टेट्स ठीक है लैंड लॉकड है स्टेट सबसे पहले तो यानी कि वो समंदर को टच नहीं करती है दूसरा उसका कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर भी नहीं है दो कंडीशन है लैंड लॉक्ड भी होना चाहिए और इंटरनेशनल बॉर्डर भी उसका कोई नहीं होना चाहिए ठीक है दोनों चीज़ें उसको पूरी करनी पड़ेंगी अब देखो क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये भी कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं हिमाचल प्रदेश हम सब जो लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश तो बॉर्डरिंग स्टेट है तो हिमाचल प्रदेश अब जिसको मालूम है वो सबसे पहले काट देगा ठीक है आंध्र प्रदेश हम जानते हैं कि आंध्र प्रदेश का विभाजन होने के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो दो स्टेट्स बने तेलंगाना कंप्लीटली लैंडलॉक्ड है लेकिन आंध्र प्रदेश पूरा कोस्टल है तो आंध्र प्रदेश कोस्टल हो गया तो अपने को ये भी पता चल गया कि आंध्र प्रदेश कोस्टल है अपने को बोला है कि इंटरनेशनल बॉर्डर भी नहीं होना चाहिए और लैंड लॉक्ड होना चाहिए ठीक है तो अल्टीमेटली आंध्र प्रदेश भी इसका आंसर बी भी, भी कट जाएगा इजीली आंसर मेरे पास डी मिल जाता है एलिमिनेशन से वंस अगेन अगर मेरे को एग्जैक्टली नहीं भी याद आ रहा नक्शा तब भी एलिमिनेशन से मैं बहुत ईजीली इसको ख़त्म कर दूंगा गुजरात अपने को पता है ठीक है देखो अगर हिमाचल का नहीं भी पता था गुजरात आप जानते हो कि समंदर है गुजरात में ठीक है ना तो उसमें भी कट जाता आपका ए और सी ठीक है आंध्र प्रदेश में समंदर है आप जानते हो तो बी कट जाएगा क्योंकि अपने को नौ इंटरनेशनल बॉर्डर और लैंडलॉक पूछा है आंसर हो गया डी ठीक है जी तो डी आपका नॉर्दर्न मोस्ट में आ गया हरियाणा सदरन मोस्ट में आपका आ जाएगा तेलंगाना उसके बाद ईस्टर्न मोस्ट में आ जाएगा झारखंड और वेस्टर्न मोस्ट में आ जाएगा, जाएगा मध्य प्रदेश तो ये देख रहे हो ना नॉर्दर्न मोस्ट हरियाणा स्टेट है ना तो कोई इंटरनेशनल बॉर्डर है ना ही लैंड ना ही समंदर को लगता है पंजाब इंटरनेशनल बॉर्डर है हिमाचल इंटरनेशनल बॉर्डर है जे इंटरनेशनल बॉर्डर है लद्दाख इंटरनेशनल बॉर्डर है ठीक है तो हो ही नहीं सकता था उसके बाद नीचे देखो आंध्र प्रदेश में समंदर लगता है गुजरात में समंदर लगता है ठीक है ना तो उस तरीके से ये आंसर आपका बना है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर रिवर बेसन इन इंडिया इनमें से कौन सा मेजर रिवर बेसन है इंडिया के अंदर ना हमने रिवर बेसन को मेजर और माइनर के अंदर बांट करके रखा है तो इनमें से मेजर कौन सा नहीं है

पहली चीज़ तो ये याद रखिएगा कि 12 मेजर रिवर बेसिन हैं और आठ कॉम्पोजिट रिवर बेसेंस हैं दूसरी चीज़ ये याद रखिएगा कि मेजर रिवर बेसेंस की क्लासिफिकेशन क्या है कि जो ड्रेनेज एरिया है वो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा होगा तो 12 रिवर बेसिन इंडिया के अंदर कौन से हैं इंदस का आ जाता है फिर आपका गंगा ब्रह्मपुत्रा मेघना आ जाता है गोदावरी आ जाता है कृष्णा आ जाता है कावेरी आ जाता है महानदी आ गया पेनार आ गया ब्रह्म ब्राह्मणी और बेतारनी आ गया साबरमती आ गया माही आ गया नर्मदा आ गया और ताप्ती आ गया ये याद रखिएगा गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना इंदस गोदावरी कृष्णा कावेरी महानदी पिनार ब्राह्मणी बैतारनी साबरमती माही नर्मदा एंड ताप्ती मीडियम रिवर बेसेंस वो होते हैं जिनका ड्रेनेज एरिया दो से बीस हजार किलोमीटर के बीच में हो और फिर होते हैं आपके आठ कॉम्पोजिट रिवर बेसिन आते हैं ठीक है ये बेटा पॉइंट कंप्लीट नहीं है स्लाइड के अंदर ठीक है इस वाले पॉइंट को ना मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर दूंगा ये आ, शायद टाइपिंग एरर रह गया पीपीटी के अंदर भी ऐड कर दूंगा तो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट झेलम रिवर एंड फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स झेलम रिवर और फ्लूवियल लैंड से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है झेलम फ्लोज इन द वैली ऑफ कश्मीर इन इट्स यूथ स्टेज यूथ स्टेज होता है बेसिकली रिवर अभी मेच्योर नहीं हुआ है तो लैंड फॉर्मिंग जो होती है वो अभी बात काफी फास्ट स्पीड पे चल रही है ठीक है दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये मियांडर फॉर्मेशन करता है मियांडर आप जानते हो जो एग्जैक्ट मूवमेंट होती है ठीक है मियांडर इज अ टिपिकल फीचर एसोसिएटेड विद द यूथ स्टेज इन इट्स एवोल्यूशन ऑफ फ्रूवियल लैंड फॉर्म मियाडर किसी भी रिवर के साथ एसोसिएटेड होते हैं उसकी यूथ स्टेज से ठीक है जी स्टेटमेंट नंबर फोर कहता है मियांडर इज अ टिपिकल फीचर एसोसिएटेड विद द विद्योर स्टेज ठीक है तो बी थ्री और फोर में से कोई एक ही करेक्ट होगा ठीक है दोनों करेक्ट हो नहीं सकते है ना दोनों करेक्ट हो नहीं सकते क्योंकि एक स्टेटमेंट बोल रहा है यूथ तो दूसरा बोल रहा है मिर्च दोनों ऑपोजिट है अब देखो अपने को झेलम रिवर के बारे में पता है कि कश्मीर के अंदर चलती है और यूथ स्टेज में है पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है तो पहला जिसके अंदर नहीं अपने को क्या बताना है करेक्ट बताना है ना है ना करेक्ट बताना है तो पहला स्टेटमेंट जिसमें नहीं है उसको उड़ा दो बी कट गया ठीक है उसके बाद अपने को ये भी मालूम है कि मियंडर फॉर्म करती है कश्मीर वैली के अंदर तो जिसके अंदर टू नहीं है उसको खत्म कर दो टू सबके अंदर है वन और टू सबके अंदर है तो ये अपने लिए कंफ्यूजन अब हो जाती है वन और टू सबके अंदर है अब अपने को मतलब इस वाले क्वेश्चन के अंदर ना एलिमिनेशन काम नहीं करेगा इतनी आसानी से क्योंकि थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है अब थर्ड और फोर्थ में से एक ना एक तो करेक्ट होना ही होना है ठीक है तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता क्योंकि या तो यूथ स्टेज में होगा मैं या मेच्योर स्टेज के अंदर होगा ठीक है तो ए बी कट गया अब सी और डी में से अल्टीमेटली आपकी नॉलेज है अब यहां पर एलिमिनेशन काम नहीं करेगी तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वो होगा वन एंड थ्री क्योंकि मियाडर फॉर्मेशन जो होती है वो यूथ स्टेज के अंदर होती है मेच्योर स्टेज के अंदर नहीं होता कभी भी तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग

लखनऊ कलमकारी एक ऐसा सॉरी uh, चिकनकारी एक ऐसा ऑप्शन है जो ज़्यादातर सबको पता होता है लखनऊ यूपी बेसिकली फेमस है और यूपी का एक ही सिटी यहाँ पर गिवन है तो अल्टीमेटली आसानी से बच्चा ए का टू बोल देता लेकिन बाकियों के अंदर कई बार नहीं पता होता तो डी एलिमिनेट हो जाता लेकिन बाकियों में फिर आपको डिसाइड करना पड़ता अब बी कलमकारी का है आपका कर्नाटका कंथा का है आपका बंगाल और कसूती का है आपका सॉरी कलमकारी का है आपका आंध्र प्रदेश कलमकारी का है आंध्र प्रदेश कांथी का है आपका बंगाल और कसूती का है आपका कर्नाटका ठीक है इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं सबसे पहले कंथा कंथा एम्ब्रॉयडरी है एक टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी है बंगाल से इस तरह की एम्ब्रॉयडरी होती है ठीक है इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ फाइन स्टिचेस से बनाई जाती है हाथ से इसको बनाया जाता है ठीक है एंड बांग्लादेश और इंडिया के अंदर कंथा को जो कंबल वगैरह होते हैं ना और बेडशीट्स वगैरह होते हैं उसके लिए काफी ज्यादा यूज किया जाता है ओल्ड साड़ीज़ को इकट्ठा फोल्ड करके और उस पर एम्ब्रॉयडरी करके बेसिकली ये बनाई जाती थी ठीक है आज के डेट में पहले तो कंथा कंबल और ये किल्ट वगैरह बनाने में यूज़ होते थे लेकिन अब कंथा को साड़ीज़ और दुपट्टा की मार्केटिंग में भी यूज़ किया जाता है कसूती की बात करें तो ये इमेज आपके सामने है कसूती नॉर्थ कर्नाटका से बेसिकली बिलोंग करती है ठीक है एंड चार अलग अलग तरह के स्टिचेज इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं बॉर्डर पे जो साड़ी का पल्ला होता है ठीक है ब्लाउज होता है ओके चंद्रकला साड़ी जैसे होती है जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको कंसीडर किया जाता है और जो हिंदू ब्राइड्स होती हैं वो इस कसूती एम्ब्रॉयडरी के कपड़ों को ज़रूर पहनती हैं ओके एंड जो बेसिकली मोटिफ uh, या जो बेसिकली डिज़ाइन uh, जो होता है वो पिक्टोरियल होता है करेक्टर के अंदर और उसके अंदर काफ़ी क्लियर इमेजेस जो हैं वो बनाई जाती हैं जैसे कि तुलसी प्लांट टेंपल का रथ चैरियट जिसको आप बोलते हो एट पॉइंटेड स्टार पैरट पीकॉक इस तरह के डिज़ाइन जो है वो बनाए जाते हैं चिकनकारी की अगर हम बात करें तो बाईस तरह के चिकन स्टिचिज़ होते हैं एंड ऐसा कहा जाता है कि जो नूर जहान एम्प्रेस नूर जहाँ थी उन्होंने बेसिकली ये इन्वेंट किया था चिकन जब वो अपने पति जहांगीर के लिए एक टोपी बना रही थी तो उन्होंने चिकनकारी की आर्ट को डिस्कवर किया चिकन वर्क लखनऊ उत्तर प्रदेश का सबसे फेमस है ओके एंड डिफरेंट डिफरेंट स्टिचेज़ होते हैं अलग अलग तरह के स्टिचिज़ होते हैं जो यूज़ जो किए जाते हैं एंड स्टिचेस uh, के अलग अलग नाम भी हैं जैसे घास की पत्ती एज डेलीकेट एज ग्रास मुर्री ठीक है जो इट लुक्स लाइक अ ग्रेन ऑफ राइस ओके वैसा रहता है इसके अंदर uh, सबसे ज़्यादा कॉमन जो uh, चिकनकारी के डिज़ाइन हैं वो हैं बखिया ठीक है पर ये सारा इतना डिटेल में आपको याद करने की जरूरत नहीं है है ये सारे का सारा एनसीईआरटी से नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ़ दिस पर्टिकुलर वीडियो डांस फॉर्म गिवन है और स्टेट गिवन है इजी क्वेश्चन है लेकिन कई बार ये भी गलत हो जाते हैं ठीक है ये भी कई बार गलत हो जाते हैं मेरे बड़े सारे स्टूडेंट्स के ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ था जबकि उनको पढ़ा करके भेजा था अच्छे से कई बार कत्थक वगैरह जैसे डांसेज के अंदर बच्चा कन्फ्यूज आता है या भारतनाट्यम हो गया कि भाई तमिलनाडु और केरला दोनों गिवन है कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर कोई शायद होने वाली बात नहीं है तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ठीक है भरतनाट्यम जो है वो आपका तमिलनाडु का हो गया और कत्थक आपका उत्तर प्रदेश का है कुचिपुड़ी इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश मोहिनित्यम इज़ फ्रॉम केरला अब मेरा ये मानना है कि अगर कोई सीरियस कैंडिडेट है इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर ही शुड नॉट ही और शी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एलिमिनेशन क्योंकि ये बहुत बेसिक है यार ठीक है इसको हम बहुत बेसिक कंसीडर करते हैं ठीक है बेसिक नॉलेज अबाउट द कंट्री इसको कंसीडर करते हैं तो इसके अंदर भी अगर एलिमिनेशन करना पड़े तो फिर दिक्कत है ठीक है इसके अंदर भी अगर एलिमिनेशन करना पड़े तो फिर काफ़ी ज़्यादा आप ये लगा लो कि दिक्कत वाली बात है यानी कि तैयारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है तो ये आपके क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं भरतनाट्यम तमिलनाडु से कत्थक नॉर्थ इंडिया यूपी बेसिकली कंसीडर किया जाता है कत्थक कली हो गया केरला कत्थक नॉर्थ इंडिया कत्थक कली केरला कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश मोहिनट्यम केरला ओडिसी ओडिशा सतरिया असम एंड मणिपुरी इस फॉर्म मणिपुर ठीक है चलिए सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर गाइस एंड कोई भी डाउट हो आप कमेंट जरूर करें अच्छा बुरा जो भी लगे और uh, कमेंट के अंदर अगर आप कोई फर्दर किसी टॉपिक पे लेक्चर चाहते हैं तो वो भी मुझे रिक uh, बता सकते हैं हम उसके ऊपर भी लेक्चर जरूर ले लेंगे मेल कर सकते हैं शिक्षित एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर टिल देन टेक केयर एंड बाय